जाहिद भाई की फिर मैं देख रहा हूँ इस मैच का पूरा मजा ले रहे हैं मुशरफ भाई बिलियागंज। अभी मैच के बाद जो अगला मुकाबला होगा उसमें उन्हें भी तारीफ हासिल करना है, उनका भी नाम यहाँ पे अभी आया है शफीकुर रहमान। लवली मैच भाई शफीकुर रहमान की पॉइंट कौन लेगा, चेंजर कौन है और हमारा डिफेंडर कौन अच्छा डिफेंड कर रहा है अभी देख रहे हैं कोच। लेकिन बिल्कुल एक नंबर में आए मूर्खित बलिमान आदमगढ़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वहाँ पे हल्का सा क्लब का क्रॉस भी आते लेकिन संभाल लिया गया और बड़ी चतुराई के साथ यहाँ पे 3-0 के स्कोर पर काम को अंजाम दे रहे हैं। रास्ते में भी आ रहे हैं हमारे बीच हामिद। अगर वन बाउंस करते हैं तो ककराटा 500 रुपए की नमक अपने पास आते हैं होगत ले हामिद ककराटा। इस दर्शक को अगर इस टूर्नामेंट का इतिहास अगर देखना हो तो मुर्शिद वाली बाल आजमगढ़ इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अनजान सईद और रियाज के भाव पर बिल्कुल तैयार है। आसिफ की कटर होगी सर्विस सही वहां पे पास होगी फिर हमें डेथ ला दिया गया हमें का यहां पे 4 बराबर दोनों टीम के स्कोर बराबर 4 बराबर तालियों से इस्तकबाल किया जाए कि पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। ये आसिफ संभव बात बाहर निकले हैं फिर वहां पे बाजी ने संभाला आसिफ तो माल हल्का सा बहुत लेकिन वहां भी संभाला वहां पे हसान लंबा पास करना चाह रहे हैं श्रियां लेकिन इस बार कामयाब हुए श्रियां। बहुत प्यारे ये सजाया गया है और हर कोई टूर्नामेंट को देखना चाह रहा है। अच्छा मुकाबला चल रहा है और ये माल गुलाब को तोड़ने में कामयाब हुए कि मुझे प्यारी लगती है तेरी हरे गदा, मुझे प्यारी लगती है तेरी हरे गदा, तुझे हर आफत से महफूज रखे खुदा। श्रियांश और पहली मतबाद हल्का सा प्राप्त किया मास नजरों के सामने वाले गेट आउट फेल में हाथी छोरी अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर इस मुकाबले को देखने उनका अपना अपना जमाना याद आ रहा होगा अपनी जवानी याद आ रही होगी लेकिन फिर इस बार श्री यहां इसको आया गया मास को लगातार फिर संभाल लिया वाजिद मास को और इस बार फिर संभाला गया क्या खुद खेल चल रहा फिर मास को ही समझा संभाला जा रहा है आजमाया जा रहा है श्री यहां लंबा लेकिन खूबसूरत वहां पर लगातार क्या खूबसूरत खेल चल रहा है दोस्त इसमें और ये शफीकुर रहमान टच का चक्कर था लेकिन कामयाब नहीं हुए और एक मतलब लवली इसमें श्री यहां इससे अच्छे खेल तो आप नहीं कर सकते इस खेल ही ये खेल खेल जबरदस्त हो रहा है जबरदस्त खेल हो रहा है यहाँ पे और फिर अब अपनी लय में आ रहा है बहुत खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखा रहे हैं और फिर वहां पांडे हैं लेकिन संभाला गया फिर मास भी आया जा रहा है हल्का सा रन के साथ पांडे ने संभाल लिया और फिर आज के लिए और हो गए नतीजा ये हुआ 1.6 सेकंड का है बेहतरीन अंदाज में ये मुकाबला चल रहा है बहुत अच्छे अंदाज में बहुत ही प्यारे अंदाज में खेल चल रहा है संभाला गया संभाल लिया गया है और मास हल्का सा रन किया संभाला गया किसी तरह से गेंद पकड़ी है फिर से आज का रन कर रहे हैं लेकिन सिर ने संभाल लिया और मास अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे तो कौन उड़ेगा ऊपर जाएगा देखा जाएगा प्यारा और फिर अंडर नेट यहाँ पे मार सामान के ढोलकर अपने ऐसे क्या है कुर्सियाँ सुगार या कुर्सियाँ सुगार क्या मंगवाइए उनको आज भाई के लिए क्या मंगवाइए शफीकुर रहमान थर्ड लाइन चाय वाले चाय लेके आ जाए कमेटी बॉक्स में तो मैं देख रहा हूँ अभी विधायक जी हमारे बीच आने वाले हैं नफीस अहमद साहब गोपाल विधायक हमारे बीच आने वाले हैं 7-6 अपने काम को अंजाम दे रहे हैं आसिफ की सर्विस लहरा रहे हैं बल लेकिन बार फिर वहां पे माल ने संभाला है और फिर
शफीकुर रहमान हल्का सा आगाज किया था और फिर वहां पे आसान संभाला मास के लिए और बार मास का नाम है अपने मिशन में सागर आजमी साहब के घराने से एक नाम आ रहा है रूमी प्रधान शेखुपुर हमारे बीच मौजूद और अच्छा पास बिल्कुल नहीं और यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छा प्रहार और हस्तान क्रॉस कर रहे हैं संभाल लिया और ये देख रहे हैं कि मेहमान जीवगार इज्जत जनाब रफीस अहमद सहर हर विधायक गोपालपुर और चेयरमैन मोहम्मद आरिफ सहर हर और प्रेदर चेयरमैन साहब भी आने वाले हैं और बार यहाँ पे चतुराई दिखाए श्रीयान जब से आसिफ भाई आए हैं मैच में कुछ अलग रंग है मैं कहा था कि टाइगर अभी जीता है टाइगर जीता था अपने जिंदगी का सपोर्ट दिया है सही तरीके से एक मतलब फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे और इसको संभालने की पूरी कोशिश संभाला गया लेकिन संभली नहीं और इस बार जबरदस्त ये जंग है सेवे में कहते कि इलाही आबरू रखना बड़ा लाजिम जमाना है दिलों में बुद्ध रखते हैं बजाहिर दोस्ताना है और ये मान लेकिन इस बार वहां पे अच्छा ब्लॉक किया गया सही तरीके से अपने खेल को दिखा रहे हैं एक मरता फिर माजा लवली में लवली लवली टूर्नामेंट का निशान क्या खूब सच के शो कर रहे हैं माजा एक मतलब फिर माइनस बार लेकिन वहां पे शेर ने संभाला और फिर मास को हल्का सा ड्रॉप किया लेकिन संभाला गया वहां पे और तेज बढ़ा लेकिन आसिफ ने संभाला बड़ी आसानी के साथ शफीकुर रहमान लेकिन फिर वहां पे सब लिए और इस बार हेड चार्ज किया गया 11-8 का स्कोर नौमान भावपूर्व में देख रहा हूँ काफी फिनाम के साथ अपने मैच को देख रहे हैं जो मैं गुल खिलाया था काफी उसकी खुशबू भी खेल रहा है और इस तरह से 1 more point taken 12 again 12 और 8 का स्कोर क्या खूबसूरत खेल चला है चले आओ किसी के सिर्फ का बादल बुलाता है तुम्हारी याद में होकर कोई बादल बुलाता है बुलाती है किसी की सतली बाहों की बेचैनी इसी का नाम है आसिफ जिसे आसिफ गढ़ का अशोक राय कहा जाता है एक प्लेयर आकर पूरी टीम की तकदीर बदल दी और काफी आप देख रहे हैं हल्का सा लेकिन बाद में संभाला है और बाद में ही आप फिट आप आना चाह लेकिन टाटा आप आए दिया शेर उठो शफीकुर रहमान बहुत दिल का शानदार है ये मुकाबला और काफी वहां पे होता है संभाला है देखा जाए और ये माज हल्का सा गार्ड किया संभाल लिया वहां पे हामिद और और जीत की दौर पे कड़ी लेकिन बार वहां पे आसिफ लगातार बचे हैं बहुत ही दिल के नजारा एक मतलब फिर आप देख रहे हैं वहां पे बेहतरीन प्रहार जरूर से ज्यादा लेकिन कमा लिया गया है और मतलब अच्छा डिफेंड क्याकू का डिफेंड और ये मास लेकिन गेट बुला लिया गया मास का इस बार पॉइंट मिला 9-14 का स्कोर तो सात टूर एंड ट्रैवल पैरी क्या लाजवाब दोस्त खेल चल रहा है जितनी भी तारीफ की जाए कम है और रेड चार्ज किया गया वहां पे सेट पॉइंट कैटेगरी तो आसिफ क्या करेंगे आसिफ एक एक था टाइगर और टाइगर जिंदा दोनों में दिख रहा हूं यहां आसिफ़ 9 से जीतने में कामयाब दूसरा अब तीसरा सेट होगा 7 टूर एंड ट्रैवल पैरी कहा